नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 3 जनवरी। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। पटना मेट्रो में निकाली गई बंपर वैकेंसी। पटना मेट्रो में नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए खुशखबरी। पटना मेट्रो ने युवाओं के लिए कई पदों पर वैकेंसी निकाली है, साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसके लिए आप कभी भी अप्लाई अब कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार पटना मेट्रो में विभिन्न शाखाओं के कुछ 27 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार फटाफट आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4 जनवरी से आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, उम्मीदवार को 18 जनवरी से पहले आवेदन भरना है। आपको बता दें, आप नगर विकास एवं आवास की वेबसाइट पर मौजूद लिंक के पोर्टल पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। पूर्वी चंपारण के केसरिया बौद्ध स्तूप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मोतिहारी के पास केसरिया में स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इस बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 104 फीट है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने खुदाई के बाद साल 1998 में इस स्तूप की खोज की थी। इतिहासकारों का मानना है कि यहां के क्षेत्रीय लोग इस स्तूप को राजा बेन का रजा के रूप में जानते थे, जिसे बुद्ध के निर्वाण प्राप्त होने से पहले वैशाली के लिच्छवियों द्वारा बनाया गया था। हुएन सोंग, जो कि चीनी यात्री था, उसके डायरी के अनुसार उसने भी इस स्थल का दौरा किया था। पहाड़ी बर्फीली हवाएं पहुंची बिहार। उत्तर भारत की पहाड़ी इलाकों की बर्फीली हवाएं बिहार पहुंच चुकी है, जिससे यहां के कई जिलों के पारा गिरने की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, बर्फीली हवाओं के बिहार पहुंचते ही कई जिलों के तापमान में गिरावट देखने को मिली है, साथ ही ठंड का असर भी अब बढ़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 2-3 दिनों के बाद मौसम में हल्का बदलाव होगा और आसमान में बादल छा सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार का कहना है कि पिछले 24 घंटे में पटना और गया में रात के पारे में गिरावट की गई है, इससे ठंड बढ़ी है। 5.6 डिग्री के साथ गया सबसे ठंडा रहा। पटना में भी न्यूनतम पारे में 1.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और यहां 7.4 डिग्री दर्ज किया गया। बिहार में कोरोना के मिले 300 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 397 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,53,652 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 219 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही नवादा में 23 तो वहीं मुजफ्फरपुर में 17 मामले सामने आए हैं। नेत्रहीन होते हुए सैकड़ों बच्चों को पढ़ाती है ट्यूशन। बिहार के सिवान जिले में इन दिनों नेत्रहीन लड़की ने सैकड़ों छात्रों के बीच शिक्षा प्रदान कर रही है। नेत्रहीन होने के बावजूद शिक्षा देने की बात भले ही आपको थोड़ी अजीब लग रही हो, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक बनने की चाह रखने वाली जिले के गुठनी प्रखंड के मझवलिया गांव की रहने वाली विद्या इन दिनों अपने नानी के घर पर रह रही है और घर वालों और ग्रामीणों की मदद से गांव के सैकड़ों बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही है। गुठनी प्रखंड के मझवलिया गांव में अपनी नानी के घर रहने वाली विद्या बचपन से ही नेत्रहीन है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में वो काफी ज्यादा तेज तर्रार है। कतरनी चूड़ा का सजा बाजार। नए साल के बाद अब सभी को मकर संक्रांति का इंतजार है, वहीं अब आने वाले त्योहार को लेकर बाजार सजने शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में भागलपुर जिले के कतरनी चूड़े की मांग देश भर में देखते हुए इस चूड़े का बाजार सज चुका है। जिले में पानी की उपलब्धता के कारण धान की खेती यहां की मुख्य फसल में शामिल है। यहां कई किस्म के धान उगाए जाते हैं, जिसमें से एक कतरनी धान है। कतरनी धान से बने चावल और चूड़े की मांग देश ही नहीं विदेशों में भी है। यही वजह है कि मकर संक्रांति आने में अभी वक्त है, लेकिन अभी ही भागलपुर के मुख्य बाजार में विभिन्न किस्म के कतरनी चूड़े की बिक्री तेज हो गई है। ट्रांसफर के बावजूद जमे रहे पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। कई पुलिसकर्मी ट्रांसफर होने के बावजूद अपने पद पर जमे रहते हैं, हालांकि अब ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। बिहार के डीजीपी एस के सिंगल ने बिहार के सभी जिले के एसपी ऑफिस, एसपी और कार्यालय प्रधान से ऐसे पुलिसकर्मियों की जानकारी मांगी है। बिहार के डीजीपी ने ट्रांसफर हुए पुलिसकर्मियों को कार्रवाई करने का आदेश देने के साथ साथ उन पर कार्रवाई की रिपोर्ट की भी मांग की है। ट्रांसफर के बावजूद भी ऐसे पुलिस अधिकारी और जवान को हर हाल में उन्हें ट्रांसफर वाले स्थान पर योगदान देना होगा, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुमंत्र सुमो दत्ता की। सुमंत्र सुमो दत्ता का जन्म साल 1964 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। सुमंत्र दत्ता, जिसे सुमो के रूप में भी जाना जाता है, वर्तमान में एक ग्लोबल मीडिया एग्जीक्यूटिव और बिजनेस प्रोफेशनल है, जो कि बेमेस्को कम्युनिकेशंस लिमिटेड बांग्लादेश के सीईओ के रूप में सेवारत है। उनके पेशेवर करियर ने नेस्ले इंडिया लिमिटेड, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुद्रास, स्टार इंडिया, स्टार मिल्ड ईस्ट और इकोनेट विजन लिमिटेड के साथ 30 साल का समय बिताया है। भारत में स्टार टीवी की सफलता में उनका उल्लेखनीय योगदान है। 20 से अधिक वर्षों के लिए स्टार में आयोजित विभिन्न विभागों में पेशेवर रूप से प्रशंसित प्रदर्शन किया है।
बिहार में शुरू हुए ड्राई रन की हुई समीक्षा। बीते दिन से बिहार के 3 शहरों में वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं राज्य में सबसे पहले शुरू हुए ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राजधानी पटना स्थित शास्त्री नगर अस्पताल में कोरोना टीकाकरण के पूर्वाभ्यास का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा। सरकार ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। मंत्री ने बताया कि जिन कर्मियों को टीका लगाना है उनकी पूरी सूची तैयार कर ली गई है। हेल्थ केयर वर्कर्स के मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर उन्हें टीकाकरण की सूचना दी जाएगी। बिहार के विश्वविद्यालयों में 8 नए विषयों की होगी पढ़ाई। बिहार के विश्वविद्यालय में अगले सत्र में कई सारे बदलाव होने वाले हैं। राजभवन सचिवालय की तरफ से टूर एंड ट्रैवल्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ग्रामीण विकास प्रबंधन, मानवाधिकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विषय की पढ़ाई शुरू करने पर मंजूरी दी गई है। प्रत्येक विषय में 60 सीटें होंगी, जिसमें विद्यार्थियों का दाखिला जांच परीक्षा के आधार पर होगा। आपको बता दें कि रोजगार की जरूरतों को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्नातक स्तर पर नए विषयों की पढ़ाई शुरू कराने का निर्देश जारी कर चुका है। ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए जारी हुई SOP। कोरोना के माहौल के बीच ब्रिटेन में नए स्ट्रेन के मिलने के बाद बाकी सभी देश सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि अब तक ब्रिटेन से भारत लौटे कई लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन को पाया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार में ऐसे यात्रियों के लिए नया SOP जारी किया गया है, जिसके तहत ब्रिटेन से 8 जनवरी से 30 जनवरी के बीच आने वाले सभी यात्रियों को देश में आगमन पर स्व भुगतान के आधार पर COVID-19 जांच कराना अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए भुगतान भी उन्हीं के द्वारा करवाए जाने की बात कही गई है। SOP में कहा गया है कि साथ ही ब्रिटेन से आने वाले प्रत्येक यात्री को यात्रा से 72 घंटे पहले कराई गई अपनी COVID-19 जांच की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। BSEB ने परीक्षा का जारी किया नया कॉन्सेप्ट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बीते दिन इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए मॉडल पेपर को जारी किया था, जिसके जारी होते ही यह साफ हो गया कि इस बार पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों की संख्या विकल्प के तौर पर बढ़ा दी गई है। 2021 की वार्षिक परीक्षा में सभी खंडों में 2 गुने प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को उसमें से आधे का ही जवाब देना है। वार्षिक परीक्षा में वास्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में विकल्पों की संख्या को 2 गुना कर दिया गया है। बूटा सिंह के गुजर जाने के बाद बिहार में एक दिन का राजकीय शोक। बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह के गुजर जाने पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल ने कहा कि सरदार बूटा सिंह का गुजर जाना राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश ने एक वरिष्ठ नेता खो दिया है। वहीं उनके गुजर जाने के बाद एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इसके लिए राज्यपाल फागू चौहान ने एक शोक संदेश भी जारी किया है। पटना मेट्रो रेल के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई शुरू। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद पटना में भी मेट्रो निर्माण की रफ्तार तेज हो गई है। नए साल में पटना मेट्रो परियोजना को पटरी पर लाने के लिए डिपो के साथ साथ स्टेशनों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हालांकि भूमि अधिग्रहण की अधियाचना पहले ही भेजी जा चुकी है। इससे पहले अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के पास पहाड़ी और रानीपुर मौजे में डिपो निर्माण के लिए नगर एवं आवास विभाग की अधियाचना के बाद 76 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। आपको बता दें, पटना मेट्रो परियोजना को 3 चरणों में पूरा किए जाने की योजना है। 4 रूटों में 4 दर्जन से अधिक स्टेशन प्रस्तावित हैं। कई स्टेशन भूमिगत बनाए जाने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार के बजट के खास होने की कही बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान जारी करते हुए इस साल के बजट के खास होने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राज्य में पहले से डेवलपमेंट के कई काम किए जा रहे हैं और इस बार का जो बजट आएगा उसमें कई चीजों के लिए प्रावधान भी किए जाएंगे ताकि काम को शुरू किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि इस बार जो काम तय किए गए हैं उन सभी चीजों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए योजना बनाकर काम किया जा रहा है। जीतन राम मांझी ने दी कोरोना को मात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कुछ दिनों पहले ही कोरोना की चपेट में आ गए थे। हालांकि बीमार रहने के बावजूद भी वो लगातार राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे थे। वहीं अब मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने कोरोना को हरा दिया है और वो एम्स से बाहर भी आ चुके हैं, जिसके तहत बीते दिन ही डॉक्टरों से मिली हरी झंडी के बाद मांझी पटना एम्स से अपने आवास के लिए रवाना हो गए थे। वहीं मांझी ने घर पहुंचने के साथ ही बिहारवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही एम्स में इलाज करने वाले डॉक्टरों का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि एम्स के डॉक्टरों ने जिस हिसाब से मेरा इलाज किया उससे मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं बीमार हूं। जनवरी के अंत तक अस्तित्व में आ जाएंगे कई नए शहरी निकाय। इस महीने के अंत तक राज्य में 117 नए शहरी निकाय अस्तित्व में आ जाएंगे। नए निकायों को बिहार कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद वहां दावा आपत्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। 1 महीने के अंदर अंदर यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर नए निकायों में नए वार्डों का निर्धारण और क्षेत्र विस्तार वाले निकायों में वार्डों को नए सिरे से परिसीमन होगा। राज्य सरकार ने दिसंबर के अंतिम हफ्ते में 2 चरणों में 117 नए निकायों के गठन को मंजूरी दे दी थी।
शेरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल ने लालू के स्वास्थ्य का जारी किया अपडेट। शेरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल ने लालू के स्वास्थ्य का जारी किया अपडेट। बीते दिन राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से शेरघाटी के विधायक मंजू अग्रवाल मिलने पहुंची थी। मुलाकात के बाद अग्रवाल ने कहा कि नए साल के उपलक्ष्य में वो पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद से आशीर्वाद लेने के लिए रिम्स पहुंची थी। लालू से मिलने के बाद बताया कि बिहार में राजद को व्यापक जनाधार मिला है। तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता के तौर पर सामने आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है। हम कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में पौष मेला का उद्घाटन 1894 को आज ही के दिन किया था। शांति निकेतन में ब्रह्माचार्य आश्रम 1901 में आज ही के दिन खुला था। महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन से 1929 में आज ही के दिन मिले थे। देश के पहले मौसम विज्ञान रॉकेट मेनका का 1968 में प्रक्षेपण आज ही के दिन हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ता, भारत में पहली महिला शिक्षक और मराठी भाषा में पहली महिला कवित्री सावित्री बाई फुले का 1831 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस का 1889 में जन्म आज ही के दिन हुआ था। 2002 में भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन ने आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। 2005 में भारतीय सरकारी अधिकारी J.N. दीक्षित ने दुनिया को अलविदा आज ही के दिन कहा था। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त में वैक्सीन। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से बिहार में मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवाने का दावा किया गया था। वहीं अब बिहार के तर्ज पर ही पूरे देश में मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवाने का ऐलान किया गया है, जिसके तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह ऐलान किया है कि कोरोना वैक्सीन अब पूरे देश में लोगों को मुफ्त में मुहैया करवाया जाएगा। आपको बता दें, हाल ही में जब स्वास्थ्य मंत्री से यह सवाल पूछा गया कि कोरोना वैक्सीन जैसे दिल्ली में फ्री होगा, क्या वैसे ही सभी राज्यों में मुफ्त मुहैया करवाया जाएगा, जिसके जवाब में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में मुफ्त में पहुंचाया जाएगा। दिल का दौरा पड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती हुए सौरभ गांगुली। बीते दिन अचानक से BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार सौरभ गांगुली को कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार गांगुली की हालत अब स्थिर है और उन्हें निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के अधिकारी के अनुसार शुक्रवार शाम वर्कआउट सेशन के बाद उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी। गांगुली की तबीयत खराब होने की खबर जैसे ही सभी को मिली, उसके बाद विराट कोहली समेत कई खिलाड़ियों ने उनके लिए दुआएं मांगी है। न्यू ईयर पर व्हाट्सएप ने बनाया रिकॉर्ड। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल यूं तो मैसेजिंग के अलावा वॉइस और वीडियो कॉलिंग के लिए भी किया जाता है, लेकिन नए साल पर तो इसका रिकॉर्ड ही बन गया। व्हाट्सएप के जरिए न्यू ईयर ईव यानी कि नए साल की पूर्व संध्या पर 1.4 अरब वॉइस और वीडियो कॉल्स की गई है। यह दुनिया भर में किसी एक दिन व्हाट्सएप पर की गई सबसे ज्यादा कॉलिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल पहले न्यू ईयर ईव 2019 के मुकाबले व्हाट्सएप पर इस साल 50% ज्यादा कॉलिंग हुई है। वहीं अब कंपनी ने ग्रुप कॉलिंग लिमिट को भी 4 यूजर से बढ़ाकर 8 यूजर कर दिया था। अनन्या पांडे की नई तस्वीर सोशल मीडिया पर कर रही है ट्रेंड। अनन्या पांडे की नई तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ट्रेंड कर रही है। मालदीव में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही एक्ट्रेस अनन्या पांडे की हॉट तस्वीरों की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। अनन्या पांडे ने स्विम सूट में अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिन्हें उनके फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यही नहीं, इन तस्वीरों पर शाहरुख खान की बेटी और अनन्या की क्लोज फ्रेंड सुहाना खान ने भी कमेंट किया है। सुहाना ने कमेंट करते हुए हार्ट वाले इमोजीज पोस्ट की है। अनन्या ने तस्वीरों के जरिए 2021 का स्वागत करते लिखा है, अच्छी चीजों की ओर नजर। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 2 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,050 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,050 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,130 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 86.21 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 79.10 रुपए प्रति लीटर था। बीते 2 महीने में दरभंगा एयरपोर्ट से रिकॉर्ड यात्रियों ने भरी उड़ान। दरभंगा एयरपोर्ट से बीते 2 महीने में रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों ने यात्रा किया है। उड़े देश का आम नागरिक योजना लॉन्च होने के बाद 2 महीने से भी कम समय में दरभंगा एयरपोर्ट से 328 फ्लाइट्स के जरिए 56,698 यात्रियों ने उड़ान भरा है। यह फ्लाइट सरकार के क्षेत्रीय संपर्कता योजना के तहत शुरू हुई है। एयरपोर्ट निदेशक विप्लव कुमार मंडल के मुताबिक दरभंगा एयरपोर्ट से 170 फ्लाइट्स में 30,370 यात्रियों ने उड़ान भरी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, दरभंगा एयरपोर्ट से पिछले साल 8 नवम्बर को हवाई सेवाएं शुरू हुई थी।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिलीप कुमार यादव, सतीश राज, बंधु झा, मोहम्मद खलीम, अनिल सिंह, पंकज कुमार, श्वेता रॉय, ललित कुमार यादव, डाव यादव, शिव शक्ति राम, बबीता यादव, रविंद्र पासवान, मुन्ना कुमार यादव, विशाल पाल, नंदनी कुमारी, पिंटू यादव, श्याम कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पूरे देश में मुफ्त में वैक्सीन देने का फैसला कोरोना से लड़ने के लिए कितना सहायक होगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।